नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकली बम्पर भर्ती के बारे में। लगभग 13,404 पदों पर भर्ती निकली है, ऐसी एक शुरुआती जानकारी आ रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन में राजस्थान समेत पूरे देश भर के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 13,404 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंशियल ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 40 साल तक के उम्मीदवार केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन KVS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नौकरी की डिटेल्स। वैकेंसी की अगर अपन डिटेल देखें तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर पद के लिए 52 पद है, प्रिंसिपल के लिए 239 पद है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 और स्नातक शिक्षक PGT के लिए 1409, प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक TGT के लिए 3176, प्राथमिक शिक्षक PRT के लिए 6414, PRT संगीत के लिए 303, लाइब्रेरियन के लिए 355, PRT संगीत के लिए 303, प्राथमिक शिक्षा PRT के लिए 6414, वित्त अधिकारी के लिए 6, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SAASO के लिए 156, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 322, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 702, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 और स्टोनोग्राफर ट्रेंड के सेकेंड के लिए 54 पद। तो ये इतने पद इसमें निकले हैं, तो आप इन पदों पर अपनी भर्ती दे सकते हैं। अब जानते हैं हम इसमें कि कितने आपको सैलरी मिलेगी। तो अलग अलग नौकरियों में अलग अलग सैलरी है। प्राइमरी टीचर को 35,000 रुपये मिलेंगे, 35,400 रुपये से लगाकर 1,12,400 रुपये तक पे केवल लेवल 6। PGD के लिए 47,600 रुपये से 1,51,000 पे लेवल 8। TGT के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपये पे लेवल 7। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये तक पे लेवल 12। प्रिंसिपल के लिए 78,800 से 2,09,200 रुपये तक पे लेवल 12 लेवल 12। वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। लाइब्रेरियन के लिए 44,900 रुपये से 1,42,000 रुपये तक। फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपये से 21,100 रुपये तक। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 25,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक का वेतनमान इसमें रहेगा। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु का जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा इसमें रहेगी, PGD पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम की आयु 40 होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु 40 होनी चाहिए। वहीं TGT लाइब्रेरियन पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 साल और PRT के लिए अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के उम्मीदवारों को जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण मिलेगा, ST वर्ग के उम्मीदवारों को जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण मिलता रहेगा। तो ये आरक्षण का आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। इसमें OBC वर्ग के उम्मीदवारों को भी 3 साल की छूट मिलेगी, ST के उम्मीदवारों को 5 साल, दिव्यांग को 10 साल। तो आइए चलते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त 12वीं बोर्ड से पास से लेकर, मतलब 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 12वीं से लेकर कॉलेज में जो जिन्होंने फाइनल कर लिया है वो, और MA फाइनल तक कर लिया है वो तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी UG, PG और 12वीं तक। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें सेंस में, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस KV प्राइमरी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट एंड टीचर एम नॉन टीचिंग पर योग्यता उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहां से जो सफल उम्मीदवार हो जाएंगे उनको डायरेक्ट नियुक्ति दे दी जाएगी। इसमें फॉर्म भरने का जो शुल्क रहेगा वो सामान्य और OBC वर्ग के लिए EWS 1,000 रुपये रहेगा, वहीं ST और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उम्मीदवार KYC की KVS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है, यहाँ से आवेदन किया जा सकता है, और KVS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ऑनलाइन आवेदन का शुल्क का वहीं से भुगतान कर दें। लेकिन हम आपको एक सुझाव देते हैं कि आवेदन हमेशा आप ऑनलाइन सेंटर से ही करें, ताकि वो वहाँ से करना इसलिए अच्छा रहता है कि अपना आवेदन करते समय हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम किसी गलत वेबसाइट पर ना चले जाए। भले हम यहाँ से लिंक कॉपी करके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो जाए तो हम गलत वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो अगर अपन ऑनलाइन वाले के वहाँ से आवेदन करेंगे तो हमें बिल्कुल सुरक्षित आवेदन होगा। और नोट, हम एक बार और जानकारी, यह जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिला लेवे। इस जानकारी को जो हमने आपने वीडियो में बताई है इसको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिला लेवे, ये केवल शुरुआती जानकारी है।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।